वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अर्जुन प्रजापति, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का देहांत हो गया है। अपनी कृति बणी ठणी से दुनिया भर में उन्होंने पहचान बनाई और यह दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। पद्मश्री अर्जुन प्रजापति अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अपनी कृति बणी ठणी से दुनिया भर में उन्होंने पहचान बनाई। गुलाबी नगर का, जयपुर का, पूरे देश भर में, विश्व में उन्होंने अपना नाम जो है वो रोशन किया और ये दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अर्जुन प्रजापति के बारे में अगर बात करें तो उन्हें काफी पुरस्कारों से नवाजा गया है और जिस तरीके से कला के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है वो अभूतपूर्व रहा है। उसके बारे में अगर जितनी हम प्रशंसा करें, जितनी उनकी हम तारीफ करें, वो कम है, शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते हैं ऐसे कलाकार की। तो उनकी कई सारी अद्भुत कलाकृतियां रही हैं, महिलाओं की तकदीर बदलने वाली रुमा देवी का, चाहे वो मूर्ति शिल्प की बात करें, वो एक अद्भुत कलाकृति रही है उनकी। उनकी काफी, उस कलाकृति की काफी तारीफ भी हुई है। तो बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है कि अर्जुन प्रजापति अब हमारे बीच में नहीं रहे। जिस तरीके से उन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया, अपना योगदान दिया, वो अभूतपूर्व रहा और उसी के तहत उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया, उसके अलावा राजस्थान के तमाम वो पुरस्कार जो कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं उनसे भी उनको नवाजा गया। और एक जहन में उनकी कलाकृति याद आती है, महिलाओं की तकदीर बदलने वाली रुमा देवी का मूर्ति शिल्प। तो जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया है कला के क्षेत्र में वो अभूतपूर्व रहा है, लेकिन एक बड़ी ही दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 1957 में उनका जन्म हुआ और 2010 वो समय था जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उनके बारे में सबसे बड़ी बात यह कही जाती थी कि सेरेमिक पदार्थों का भी उपयोग करके बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाते थे। और जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से वो अपनी, उनकी जो कला थी वो एक अद्भुत कला थी। और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर का नाम ही रोशन किया, पूरे विश्व भर में उन्होंने अपनी एक अलग ही साख बनाई जिस तरीके से कला के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे कला समीक्षक सर्वेश भट्ट जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, बड़ी ही दुखद खबर अर्जुन प्रजापति के बारे में, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी जी, अर्जुन प्रजापति जी के बेटे का अभी थोड़ी देर पहले मेरा संपर्क हुआ था जी, तो वो कल से ही कह रहे थे कि उनके लिए दुआएं करें, तो हम सभी उनके लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन अभी उनके हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी नहीं रहे। बहुत ही दुख की बात है। अर्जुन प्रजापति की पहचान मूर्ति कला के यथार्थवादी रूप को जी, देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाले शिल्पी के रूप में होती है जी। उन्होंने जिस तरह से रूपवादी मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया और वो मतलब हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में चर्चित हुए जी। और उनका जन्म जयपुर के जो कुंभकार परिवार में, जो रोजदा गांव है जयपुर का, वहां पर उनको हुआ था। और अर्जुन प्रजापति को न केवल मूर्ति कला अपितु एनाटॉमिकल ड्राइंग की भी बड़ी गहरी जानकारी थी जी। बिल्कुल, बिल्कुल संगमरमरी नहीं, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, फाइबर
और कांस्य की सैकड़ों अनूठी प्रतिमाओं का उन्होंने निर्माण कर इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। बिल्कुल, और सर्वेश जी आपने उनको काफी नजदीक से देखा है, काफी उनको करीब से जाना है। मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति सर नवीन चंद्र राम गुलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों, राज्य के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों सहित दर्जनों संत महात्माओं ने इनकी कला की मुक्त कंठ से सराहना की। और अर्जुन जी को क्या है कि तत्काल किसी का भी चेहरा देखकर मूर्ति का मूर्ति शिल्प बनाने में महारत हासिल थी, और इस कला से की वजह से उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने बिठाकर और उन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। बिल्कुल सर्वेश जी, आपने उनको काफी नजदीक से देखा, आपने उनको काफी करीब से जाना, काफी आप क्योंकि आप जिस तरीके से आपने काम किया कला के क्षेत्र में, उनको काफी नजदीक से देखा है आपने। अर्जुन जी को किस तरीके के वो इंसान थे, क्योंकि कला के क्षेत्र में उनकी जितनी हम प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, किस तरीके के इंसान थे क्योंकि आपने काफी करीब से उनको देखा है। जी जी, अभी जून के महीने में ही हमने एवन टीवी के लिए उनका एक खास इंटरव्यू किया था जी, और इन्होंने कोरोना के संकट काल में लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए एक हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया था जी, और उनके मुंह में हनुमान जी को कोरोना ने निकलते हुए दिखाया था। मतलब उनके मूर्ति शिल्प का एक और अद्भुत वो कृति थी है, मतलब वो जिसमें कि उन्होंने कोरोना को निकलते हुए हनुमान जी को दिखाया, और उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। हनुमान जी के परम भक्त थे वो, साईं बाबा के बहुत ज्यादा अटूट उनकी आस्था थी उन पर। जी, एक अद्भुत इंसान, अद्भुत फितरत के थे, हर व्यक्ति के लिए समाज सेवा में सबसे आगे रहते थे वो, किसी भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति को निकालने में की बात हो तो अर्जुन प्रजापति सबसे पहले कदम रखते थे आकर। और बिल्कुल, और 2010 का वो समय हम भूल नहीं सकते हैं सर्वेश जी, जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से उस समय नवाजा गया था। जी जी, तो वो बड़ा समय एक उनके लिए एक अद्भुत समय था, हालांकि उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था, लेकिन 2010 का वो समय काफी देने में खुश होते थे, देने में खुश होते थे, और समाज को बहुत देते थे वो, बहुत देते थे वो। हाँ, और ऐसा कहते वो मौन रहते थे, वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं बताते थे, और मतलब हमेशा वो आगे रहते थे हर चीज में। जी बिल्कुल, और उनकी जो महत्वपूर्ण जो कलाकृतियां रही हैं, हालांकि उनकी जो भी कलाकृतियां रही है वो काफी प्रसिद्ध रही, काफी फेमस रही है जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि मिट्टी के बर्तनों के लिए वे जाना जाते थे, तो ये एक बड़ा अद्भुत था, क्योंकि ऐसे कलाकार काफी कम होते हैं जो इस तरीके से अपनी जो उपलब्धि है वो हासिल करते हैं। जी, आप वो देखिए उनकी बनी ठनी को देखिए आप, उनकी एक मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाया है स्वर्ग से उतरती अप्सरा का जी, तो वो भी मतलब कमाल उनके मूर्ति शिल्प के अनूठे उदाहरण हैं। बिल्कुल, और जी जी, अभी बहुत लोगों के फोन आए सब जगह से, सब पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट ने भी उनके निधन पर मेरे को गहरी संवेदना व्यक्त की है, पद्मश्री शाकिर अली तो लगभग रो रहे थे फोन पर, मेरा मित्र चला गया, पद्मश्री तिलक गिताई ने भी उनकी की है, एलआर उन बॉम्बे से लगातार उनके बारे में पूछ रही है, तो मतलब वो हर व्यक्ति के चहेते व्यक्ति थे। जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है राजस्थान को ही नहीं पूरे देश भर को, क्योंकि एक ऐसा कलाकार खो दिया है जो दर्शकों तक ऐसे कलाकार हमें नहीं मिल पाते हैं। संदीप भुतोड़िया, उनका भी कलकत्ता से फोन आया, मतलब हर व्यक्ति इतनी जल्दी उनकी खबर फैली सब जगह, और हर व्यक्ति व्यथित है मतलब उनके जाने से। बिल्कुल, और सर्वेश जी, एक जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की तकदीर बदलने वाली रूमा देवी का भी मूर्ति शिल्प तैयार किया था, वो भी मेरे जहन में आता है। सामने बनाया था उन्होंने जवाहर कला केंद्र में बैठकर, और उन्होंने बहुत बड़ा अपना एग्जीबिशन लगाई थी जवाहर कला केंद्र में मूर्ति शिल्पों की, और वो क्या बहुत कम एग्जीबिशन लगाते थे, तो मैं उनसे कई बार कहता भी था, मैंने कहा अर्जुन जी यार आप एग्जीबिशन तो लगाओ, तो वो कहते यार कुछ बचता ही नहीं है, मैं लगाऊंगा आपके बार इकट्ठा करूंगा लगाऊंगा। तो उन्होंने जवाहर कला केंद्र में लगाई थी, रूमा देवी को बुलाया था, उसका मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाया, खुशवंत सिंह का उन्होंने सामने बैठे, मनीषा कोयराला का उन्होंने सामने बिठाकर मूर्ति शिल्प बनाया। जी बिल्कुल, ऐसे अद्भुत उन्होंने जो चित्रकारी है कला में उन्होंने काम किया है, और रूमा देवी का तो मुझे जहन में भी आता है, शायद तकरीबन 10 महीने पुरानी वाली ये बात है जब उन्होंने जवाहर कला केंद्र में रूमा देवी का ये जो कलाकृति है वो तैयार की थी। जी 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 जी, बहुत ही ऐसा समय चले गया, अभी उनके जाने का समय था ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद बहुत एहतियात बरत रहे थे कोरोना के प्रति, और वो सबको डांटते रहते थे फोन करके भी, शाकिर अली जी बोले मेरे को ही वो फोन करके डांटते थे कि यार तुम बहुत घूमते हो,
घूमो मत बोले, और बोले वो खुद ही फिर उसके लपेटे में आ गए वो बोले। बिल्कुल। और सर्वेश बड़ा जी, सबसे बड़ी बात उनकी कही जाती थी कि वो दिखावा नहीं करते थे, जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे, स्पष्टवादी दिखावे में थे, नहीं रहते थे। बिल्कुल स्पष्टवादी थे, जिसको जो बोलना हो मुंह पर बोलते थे, पीछे से कुछ नहीं बोलते थे वो कभी भी। बिल्कुल। और इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी वो एक ऐसे कलाकार थे वो जो काफी डाउन द अर्थ थे, मतलब ये नहीं था कि इतनी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी, लेकिन हमेशा से वो डाउन द अर्थ रहे और उसी के बिल्कुल तहत उन्होंने काम भी किया। काम भी किया, और कभी भी उनको अपने उस पर दंभ नहीं था कि मैं बहुत बड़ा मूर्तिकार हूं। बहुत झुके हुए, एक छोटा गली का बच्चा भी उनके पास पहुंच जाएगा तो वो उससे भी उसी अंदाज में बात करते थे। तो चलिए सर्वेश जी, हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और लेकिन एक बड़ी दुखद खबर आपको बता दें कि बड़ी दुखद खबर है, कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में पद्मश्री अर्जुन प्रजापति अब हमारे बीच में नहीं रहे, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। और अपनी जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, 2010 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, राजस्थान के भी तमाम वो पुरस्कार, तमाम कला के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं उनसे भी उन्हें नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सर्वेश जी ने बताया उनके बारे में, क्योंकि सर्वेश जी ने उनको काफ़ी नज़दीक से जाना है, काफ़ी करीब से उनको देखा है, और उन्होंने यही बताया कि एक स्पष्टवादी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाउन द अर्थ थे, इतने कला के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी वो काफ़ी एक, जिसको कहना चाहिए कि एक नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, और कभी भी हमेशा उन्होंने अपने आप को ऊंचाइयों पर छुआ है। कहते हैं कि जितना वो ऊपर बढ़ते गए उतना ही वो डाउन द अर्थ रहे। कई सारी कलाएं हैं, कई सारी उन्होंने कलाकृतियां जो बनाई, जिस तरीके से सर्वेश जी ने बताया कि रूमा देवी का जो शिल्प हो या मनीषा कोइराला का हो, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अद्भुत रहे हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो कलाकृतियां देख रहे हैं, वो उन्हीं की बनाई हुई है। और ये पुरस्कार लेते हुए पद्मश्री का राष्ट्रपति की ओर से, तो उनके बारे में जितनी हम तारीफ करें, जितनी उनकी प्रशंसा करें, उतनी ही कम है।